गाइस, दिस इज विक्रम और आज आप लोगों के लिए एक स्पीकर लेकर आया हूँ। बड़ा स्पीकर किसे कहते हैं? 15 इंच जो कि टॉप में लगता है उसे, या 18 इंच जो बेस में लगता है उसे, या उसे जो कि 21 इंच और 2500 वाट का होता है वो, जो कि बहुत हैवी बेस में या प्लाज्मास में दिया जाता है, या फिर 24 इंचेस का स्पीकर जो कि अकेला स्टैंड अलोन काम करता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, 24 इंच का 3000 वॉट का 8 ओम्स का ये स्पीकर आता है ऑडियोटोन की ओर से। ये हमने कैबिनेट में फिट कर रखा है, इसको फिटिंग का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और इसका क्लोज लुक भी दिखाता हूँ। आज इस स्पीकर को हम लोग रिव्यू करेंगे, इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, इसको कैसे मतलब किस टाइप की कैबिनेट में डालना चाहिए वो भी आपको बताते हैं, और क्या इसका डिटेल है वो सारा मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं स्पीकर को लेके एक्चुअली एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्पीकर है, ये वाइब्रेशन स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। ये इतना जोरदार वाइब्रेट करने के लिए बनाया गया है कि नेक्स्ट लेवल बोला जा सकता है। दो बेस सिंगल वालों के लिए आपको दो मिड टॉप लगते हैं जो कि बुलेट वाले हमने दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें नियोडिमियम स्पीकर होते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले इस स्पीकर के बारे में, कैबिनेट का भी साइज आप लोग देख सकते हैं, 4 फीट का 3 फीट डीप वाला है और बहुत ही बड़ा साइज है। वेट इसका नियरली डुअल 18 के कैबिनेट या उससे ज़्यादा भी मैं कह सकता हूँ है। इस स्पीकर को उठाने के लिए तो 2 लोग लग रहे हैं, अब और क्या बताऊं मैं आपको। इसे बजाया हमने 89,000 एम्पलीफायर पे। इसका सारा डिटेल आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं, ये कैसा बजता है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं, ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है और इसका लाइव डेमो आप यहाँ आके देख सकते हैं। टेस्टिंग हम लोग बाहर करते रहते हैं, जो सेटअप बाहर बसता है उसका डेमो आपको मिल जाता है, जो चीज़ें बाहर नहीं है टेस्टिंग पे नहीं है वो अंदर रखी हुई हैं तो उसका इंडोर डेमो मिलता है, हर एक चीज़ सामने रखी जाती है। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं प्रारंभ। तो आइए अब अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं इस इतने बड़े स्पीकर को ओपन करना। पहला बॉक्स पैकेजिंग खुलने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि और एक बॉक्स पैकेजिंग है यहाँ पे। एक बॉक्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ताकि आप लोग ब्रांडिंग वाला बॉक्स देख सकें कंपनी का। इस दूसरे वाले बॉक्स पे कंपनी ने सारा डिटेल मेंशन करके रखा है और मैं वीडियो का स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग फटाफट मेन वाले इवेंट तक पहुँच सकें। इस पे लिखा हुआ है AD2460 PD क्रोम मॉडल। अब तीसरा बॉक्स खुल रहा है जिसके अंदर और एक चौथा बॉक्स है, जिसके अंदर एक कार्टून है, जिसके अंदर पॉलीथीन लगा हुआ स्पीकर है। मतलब एक लंबी जर्नी करके आपको आना पड़ता है स्पीकर तक। ऑब्वियस है स्पीकर का वेट काफी है, मतलब एक मोटा मोटी समझ के चलते हैं 33.5 केजी सिर्फ स्पीकर का वेट है। सो गाइस, दिस हैपेंस टू बी ऑडियो टोन AD2460 PD क्रोम। ये एक 24 इंचेस का सुपर मैसिव स्पीकर है। इसका वॉइस कॉइल 6 इंच का है, यानी कि 152.3 mm का, और वो भी इनर एंड आउटर साइड वाला है, इन आउट वॉइस कॉइल जिसे बोला जाता है। 6000 वॉट का इसका कंटिन्यूअस पीक पावर बोला जाता है स्पीकर का, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावर आपको डिलीवर करता है। इसका डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें हीट वेंटिलेशन के अलावा स्पाइडर प्लेसमेंट की भी अलग से ऑप्शंस दिए गए हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप दिया गया है
वॉइस कॉइल के दो स्पाइडर्स के बीच में, और ये इसीलिए है ताकि कोन और स्पाइडर जुड़े रहें, और दूसरा वाला स्पाइडर जो है वो थोड़ा सा नीचे रहे ताकि स्पीकर जब भी बजे तो वॉइस कॉइल एकदम स्ट्रेट लाइन में जंप करे, जिससे आपके स्पीकर का क्या बोलेंगे वाइब्रेशन और पंच जो है वो स्ट्रेट निकले और आपका कॉइल भी स्ट्रेट चले ताकि वो जले नहीं। हीट वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े सुराख दे रखे हैं यहाँ पे। स्पीकर का सेंसिटिविटी मैं आपको बताऊं, 98 डेसिबल बोला जाता है, लेकिन ये 2 dB पे है, 1 dB पे नहीं है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो कि वाइब्रेशन लेवल से स्टार्ट होके लो मिड तक जाता है वो है 35 हर्ट्ज से लेके 2 kHz तक। स्पीकर का कोन बहुत ही ज़्यादा मोटा, बहुत ही ज़्यादा शानदार दिया गया है और लीड वायर को शील्डेड रखा गया है। इसके टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं मैग्नेट की थोड़ा सा नीचे यहाँ पे दिए गए हैं रेड एंड ब्लैक, और वो गोल घुमाने वाले हैं क्योंकि पुश बटन वाले इतना लोड नहीं सहन कर पाएंगे। 615 mm का इसका पूरा डायमीटर है और इसका 8 ohms का इम्पीडेंस है। ब्लैक कलर के आप हायर फ्लेक्सिबल डैम्पर या स्पाइडर देख सकते हैं। इसका मैग्नेट साइज जो है 330x170x25 का है, मतलब अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कह सकते हैं। इसके मैग्नेट का ग्रेड भी Y35 है और आप लोग बार कोड इस पे देख सकते हैं, ये बार कोड ओरिजिनलिटी दर्शाता है। हालांकि हर कंपनी ये स्पीकर बना भी नहीं सकती है, तो ओरिजिनल आप नहीं भी देखेंगे, आपको मिल जाता है, यही बड़ी बात है। कोन पे आप लोग कोटिंग देख सकते हैं जो कि डस्ट कैप के थ्रू करी गई है या डस्ट कैप के ऊपर भी दी गई है। एक यूनिक सा चेसी का डिजाइन आप लोग देख सकते हैं, वो इसलिए है ताकि स्क्रू वाली साइड को थोड़ा सा अंदर दबाया जाता है और बाकी जो है मोटी वाली साइड दी गई है ताकि ये फिक्स्ड रहे। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक मजबूत या बड़े या ज्यादा वोल्टेज के स्पीकर को ज्यादा मजबूत, बड़ा और हैवी कैबिनेट लगता है, तो इसलिए हमने 24 inches के लिए फ्रंट स्कूप बनवाया है और इसमें 2 लोग लगते हैं हमें सिर्फ स्पीकर रखने के लिए। हम लोग इसे सॉकेट से डायरेक्टली ज्वाइन करने वाले हैं, कोई क्रॉसओवर नेटवर्क इसमें नहीं लगने वाला है। हम लोग जो भी पैसिव क्रॉसओवर था वो निकाल के एक्टिव क्रॉसओवर इसके ऊपर एम्पलीफायर के थ्रू लगाएंगे और उस पर इसे चलाएंगे। मेरे हिसाब से कंपनी को इसमें 4 ohms का भी ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये मॉडल 8 ohms वाला ही आया हुआ है मार्केट में। आप लोग देख सकते हैं इसका फिटिंग, इसे टर्मिनल को पैक कर देना होता है ताकि वायर अपनी जगह कभी लाइफ में छोड़े नहीं। ये स्पीकर एक बार लेने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वाइब्रेशन की सीमा कहां तक जा सकती है। मोस्टली ये स्पीकर को आप लोग अगर इक्वलाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से 80 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में आप इसे इक्वलाइज करें ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया बेस का परफॉर्मेंस मिले। आप अगर डिजिटल क्रॉसओवर यूज करते हैं ऑडियो टोन का, तो आप लोग इसको उसमें इस टाइप की फ्रीक्वेंसी पे चला सकते हैं, तब आपको ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आउटपुट देने वाला है। और क्योंकि ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा वेटेड है तो आपको इसे एलंकी से फिट करना चाहिए, जैसे कि हम करने वाले हैं। पहले भी मैंने कई बार इस स्पीकर को आप तक लाने का सोचा था, लेकिन मैंने अपना टेस्टिंग जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक इसे आप लोगों से दूर रखा था। एग्जीबिशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां पे इस स्पीकर को फोकस या आगे लाके दिखाया जा सकता है। एक बार फिट होने के बाद ये स्पीकर काफी ज्यादा वेटेड होता है और लगभग डुअल 18 की कैबिनेट
स्पीकर फिट होने के बाद जितना वेट हो जाता है उतना वेट इस वाले स्पीकर का होने वाला है। इसे हमने एम्पलीफायर पैरेलल मोड पे रख के चलाया था। आप लोग अगर चाहें तो, क्योंकि आप लोग पावर जानते हैं और चलाना अगर जानते हैं तो आप लोग एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पे रख के भी चला सकते हैं, उससे भी आपको इसका काफ़ी तगड़ा आउटपुट मिलने वाला है। स्पीकर के पैरामीटर्स मैं आपको साइड में दिए देता हूं ताकि आप लोग इसे देख के समझ सकें और अपनी राय बना सकें। एल्यूमिनियम बास्केट इसका दिया गया है, चेसी जो होती है इसकी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और इसका डीसी रेजिस्टेंस जो है वो 5.3 ओम्स का दिया गया है। जितने लोग आप में से डीसी रेजिस्टेंस जानते हैं वो समझ ही गए होंगे कि ये किस रेंज में काम करता है। देखिए, इन दो बेस को चलाने के लिए हमने AD9000 वाला एम्पलीफायर यूज़ किया और एक दो बार हमने इसे Z8 जाइपर पे भी चेक किया। दोनों में रिस्पांस अपनी जगह अच्छा ही मिल रहा था। 8 ओम्स पे ये स्पीकर काम कर रहा था। अब आप लोग इस वीडियो में एक चीज़ नोटिस करेंगे जो कि ये है कि हमने इसे बाहर इससे पहले भी कई बार टेस्ट किया है, क्योंकि आप लोगों तक वही रिजल्ट लाया जाना चाहिए जो एक्चुअली सक्सेस हो, जो 100% सक्सेस हो वही आप तक आना चाहिए। हमने इसे करीबन 3 महीने पहले से लेके वहाँ पे टेस्टिंग किया है। कई बार हम लोग आउटडोर में से लेके गए, तो आप हर बार नया लोकेशन देख सकते हैं आउटडोर की टेस्टिंग में। इसके साथ हमने टॉप लगा के देखे, इसके साथ हमने डुअल स्पीकर डुअल एचएफ वाली लाइनरें लगा के देखी, और इसके साथ हमने बुलेट वाले मिड टॉप भी हमारे लगा के देखे। अब उन तीनों में से किस पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल रहा है वो भी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, और इस बेस का वाइब्रेशन लेवल किस तरीके का है वो भी आप लोग टेस्टिंग के दौरान समझ पाएंगे। तो आप लोग अपने हेडफोन लगा लीजिए ताकि आप लोगों को वो एक्सपीरियंस मिल सके जो कि हमने आउटडोर में लिया था।
तो कैसे? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्पीकर काफ़ी हैवी है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको उन सारे स्पीकर्स जैसा काम करके देगा जो 18 इंच और 21 इंच देता है। मतलब कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बड़ा स्पीकर मतलब सबसे ज़्यादा बजेगा, ऐसा नहीं होता है। इस स्पीकर में SPL कम जनरेट होता है, लेकिन इसका वाइब्रेशन वाली रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब आप अगर बोलेंगे कि मैंने यहाँ स्पीकर लगा और 50 फीट दूर जाके मैं उसको सुनूं, तो शायद आपको ये सुनाई भी नहीं आएगा, लेकिन इसकी वाइब्रेशन आपको महसूस होगी पैरों में या सामने खड़े रहने पे। इसका पंच वाला फैक्टर कम होता है, यानी कि मैं आपको रेटिंग बताऊं, अगर 10 में से मैं पॉइंट्स दूँ कि वाइब्रेशन किस लेवल का है, तो 10 में से 10 आपको वाइब्रेशन पे मिलेंगे, लेकिन 10 में से 7 पॉइंट्स मिलेंगे आपको पंच की रेंज में। क्योंकि ये भी हो सकता है कि इतने हैवी पावरफुल एम्पलीफायर जो हैं वो एक्चुअली पंच के लिए बनते ही नहीं है, वो वाइब्रेशन के लिए बनते हैं। जितना ज़्यादा पावर डिलीवर होगा उतना ज़्यादा वाइब्रेशन आपको मिलेगा। अब ये फैक्टर इस पर कैसे अप्लाइड होता है, क्योंकि ये डुअल स्पाइडर्ड है, इसकी स्पाइडर में भी आपने गैप देखा होगा, लगभग 1 इंच का तो गैप आता है दो स्पाइडर्स के बीच में, तो कॉइल को उतना बड़ा जंप करने का एरिया यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन इतना वेटेड वाले कोन, कॉइल, स्पाइडर, इस सब को उठाने के लिए या जंप कराने के लिए कितना पावर चाहिए वो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो वो पावर 18-9000 इस पे प्रॉपरली दे सकता है। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि ये स्पीकर कैसा है। तो इस स्पीकर से वाइब्रेशन आप एक्सट्रीम लेवल जा सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल 18 इंच या डुअल 18 इंच है जिसमें सिर्फ पंच आती है, आप वाइब्रेशन के लिए ये सिंगल 24 इंचेस के बेस लगा दीजिए, आपको एकदम सुपर इफेक्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लोग इसको स्टैंड अलोन यूज़ करेंगे, मतलब कि यही सिर्फ बेस यूज़ करेंगे, तो आप पंच वाला फैक्टर को थोड़ा सा कम प्राप्त करेंगे। लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे अगर नया कोई डीजे सुनने आ रहा है, लेकिन कोई प्रोफेशनल सुनने आया तो आपको वो पंच वाली फ्रीक्वेंसी समझा के जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग उसके साथ यूज़ करें, यानी इस स्पीकर को आप किसी और पंच वाले स्पीकर के साथ यूज़ करें। बात यह है कि ये स्पीकर अपनी एक्सट्रीम लेवल पर अगर जाके काम करेगा तो वो बहुत ही शानदार आपको आउटपुट देने वाला है, बशर्ते आपको कैबिनेट बड़ा देना होगा। 3 फीट इसका डीप था और 4 फीट का इसका हाइट था, सिंगल 24 इंच स्कूप कैबिनेट का। फिर भी ये है कि इसको और बड़ा एम्पलीफायर देंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। क्रॉसओवर पे इसकी फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज पे हमने सेट की थी, और अब आप बताइए कि आपको टेस्टिंग और स्पीकर कैसा लगा। क्योंकि ये स्पीकर पहली बार दिखाया जा रहा है, तो ये समझ के चलिए कि इसको दिखाने से पीछे से जो हमने एफर्ट किए, जो मेहनत की है, वो काफ़ी ज़्यादा है। कैबिनेट डिज़ाइन कराना, उसे बनवाना, इसे टेस्ट करना, 3 महीने तक अपने पास रख के इसे हर बार बजा के देखना, आउटडोर में टेस्ट लेना, कभी टॉप के साथ, कभी लाइन एरे, कभी मिड टॉप बुलेट वाले, सब के साथ, और इंडिविजुअल रिजल्ट आपको ला के दिखाना, ये हमारा काम है। आशा करता हूँ कि आप हमारा एफर्ट पसंद करेंगे, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल पर बने रहेंगे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।